में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में IRFC स्टॉक को डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक ने पास्ट 1 ईयर में 400 के ऊपर का ट्रेंड दिखाया, लेकिन जो रिजल्ट रहे वो इन द लाइन ही रहे, ऐसा 400% को जस्टिफाई वाली ट्रेंड नहीं रही। और यहाँ इस समय पूरी होल्डिंग्स जो है लगभग 86% गवर्नमेंट के पास है, और हो सकता है कि इस वैल्यूएशन पे गवर्नमेंट जो है जरूर डाइवेस्टमेंट करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर और ट्रेडर को थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ सेल्स देखेंगे तो इन द लाइन ही रहा है, इवन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे थोड़े वीक रहे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेटर रहा। और जो प्रॉफिट रही है वो देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट रहे वो थोड़े वीक रहे, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी जो प्रॉफिट रहा वो बेटर रहा है। तो आखिर ये कैसे रिजल्ट रहे? ये रिजल्ट को अगर सिंपली आप देखेंगे तो इन द लाइन रहा, ऐसा नहीं रहा कि बहुत बड़ी तेजी दिख जाएगी या बहुत बड़े गिरावट इस रिजल्ट के कारण दिख जाएंगे। इसके अलावे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6-7 करोड़ के वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड किया, और टेक्निकल जो ट्रेंड है इस समय देखेंगे तो वीक हो चुका है। और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से ट्रेड लेते हैं तो ये वीकली आपको लेवल्स देखने होंगे, और अगर वीकली सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसके चार्ट को देखें, पहले कंसोलिडेट के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने लगभग 436% के रिटर्न दिए, और ये दूसरे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में लगभग 140% की तेजी दिखी। अब यहां से एक बड़ा रिजेक्शन दिखा और 3 बैक-टू-बैक रेड कैंडल दिखे, यानी जो मेजर सपोर्ट दिखेगा 120 और 100 के आसपास का ही मिनिमम सपोर्ट दिखेगा, या ऊपर में ब्रेकआउट दिखेंगे तो मिनिमम 170 के ऊपर ही ब्रेकआउट दिखेंगे। RSI अभी देखें तो लगभग 76 के आसपास का है, यानी अभी भी जो RSI है वो ओवरबाउट के जोन में ही है, और ये कब से है, लगभग लगभग 6 मंथ से इसी के ऊपर ट्रेड करते दिख रहा है। एक बार मैं आपको इसके मूविंग एवरेज को भी ओपन कर दूं, और यहां आप देखेंगे कि अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसीलिए अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करूं तो आप पाएंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने 20 EMA को ब्रेक डाउन करा। इस समय इंपोर्टेंट है 170 के ऊपर ही जो मोमेंटम और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है लॉन्ग करेंगे, नहीं तो एक गिरावट 120 100 जैसा लेवल्स भी दिख सकता है।